हेलो एवरीवन, दिस इज मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो कब पूरी होगी। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे आपको हेल्प करने के लिए कि आप क्या फर्दर कर सकते हो ताकि जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, वो जल्द पूरी हो सके। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स चाहते हो तो आप रीच आउट कर सकते हो। अच्छा, इसको पिक अ कार्ड कर लेते हैं ताकि आप डिफरेंट विशेज के लिए चेक कर सको, डिफरेंट पाइल्स। सो पहला पाइल होगा ऑरेंज फेदर, दूसरा पाइल होगा पिंक फेदर। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। थिंक ऑफ योर टू विशेज। मे बी आप एक विश के लिए एक फेदर चूज कर सकते हो, दूसरी विश के लिए दूसरी चूज कर सकते हो। सो ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे, सिर्फ एक तो आंसर जानेंगे, साथ में ओरेकल गाइडेंस देंगे। अगर लव लाइफ रिलेटेड है तो लव लाइफ के लिए भी एक ओरेकल कार्ड ले लेंगे और एक नॉर्मल इन जनरल भी ओरेकल कार्ड पुल आउट कर लेंगे। सो जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो इसलिए जस्ट कीप योर माइंड ओपन ताकि आप बाद में कंप्लेन नहीं करो कि अच्छा ऐसे हुआ या मेरे लिए तो नहीं हुआ या मेरे लिए नहीं होगा। कोशिश किया करो कि क्लेम किया करो एनर्जी ताकि आपके लिए भी हो सके। कंप्लेन मत किया करो और ट्राई करो कि अंडरस्टैंड कर सको। आज भी मैंने एक कॉमेंट पढ़ा जिसमें द पर्सन वॉज सेइंग के यू नो जो एक लविंग एनर्जी आई है पर्सन के एंड से, वो मेरे साथ नहीं मैच हो रहा है, मेरे पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। द क्वेश्चन इज कि ये आपको अंडरस्टैंड क्यों नहीं हो पाता है कि जनरल रीडिंग्स हैं। हर किसी के साथ हर रीडिंग मैच नहीं करेगी। एक बच्चा देखेगा तो उसके लिए लव वाली एनर्जी तो मैच नहीं करेगी ना। सो यू नीड टू ओपन योर सेल्फ अप टू दैट। और अगर इस तरह के कोई सर्टन इश्यूज हैं जो कि काफ़ी टाइम से प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं, उनके लिए आप हमेशा पर्सनलाइज रीडिंग्स चूज किया करो, चाहे मुझसे, किसी से भी जिसके ऊपर आपको लगता है कि जिसका ट्रस्ट, जिसके ऊपर आप कर सकते हो, या फिर जिसके आपको चार्जेस कम लगते हैं, यू कैन अप्रोच दैट पर्सन। लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एनर्जीज डोंट लाई। आपके साथ मैच करती है एनर्जी या नहीं करती, वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन एनर्जीज डोंट लाई। तो जो भी यहाँ पे हम यू नो पिक करते हैं एनर्जीज, दे आर नॉट लाइंग। आप सही पर्सन हो उस एनर्जी के लिए या नहीं हो, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। इसीलिए पर्सनलाइज रीडिंग्स लेना बेटर है उन लोगों के लिए जिनको इस तरह के इश्यूज हैं, जो कि उनको उनके इश्यूज या यू नो सिचुएशंस रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। तो पर्सनलाइज रीडिंग लिया करो और जनरल रीडिंग्स को एज अ जनरल एडवाइस यू नो देखा करो। सो दैट्स प्रीटी मच इट। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो भी मन में विश है, थिंक ऑफ दैट। डिफरेंट एरिया ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड भी विशेज हो सकती हैं, उसके लिए आप डिफरेंट पाइल्स चूज कर सकते हो। एक एरिया से कनेक्टेड है तो आप सिर्फ एक ही पाइल चूज करो, सारे पाइल्स को चेक नहीं करो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले पाइल्स बताती हैं, ऑरेंज फेदर, पिंक फेदर, येलो फेदर। स्टार्ट करते हैं ऑरेंज फेदर से। जो लोग ऑरेंज फेदर चूज कर रहे हैं, आपकी विश, आपकी डिजायर, आपके मन में जो भी है, वो कब पूरी होगी और ओरेकल गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए उस विश को लेकर। लेट्स सी कब होगी आपकी ये विश पूरी जो आपके मन में है राइट नाउ। ट्यूजडे, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन द मार्कर नंबर 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years could be the case। ठीक हो गया, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल भी लग सकते हैं आपकी विश पूरी होने को। आपको इस विश से रिलेटेड अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव करना पड़ेगा। आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ आइडियाज आते हैं आप जिनको परसू नहीं करते हो। अगर आप उन आइडियाज को परसू करोगे तो आपकी जो विश है वो जल्द पूरी हो सकेगी। सो इसलिए अगर आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, मेक श्योर करो कि आप उस आइडिया के बारे में वर्क करो, उसको लिख लो कहीं, ताकि आप जो विश कर रहे हो, जो डिजायर कर रहे हो, वो पूरी हो सके। ट्यूजडे का दिन होगा जब आपकी ये विश पूरी होगी। सो देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस विश से कनेक्टेड। लव लाइफ से कनेक्टेड पहले देखते हैं, देन हम जनरल कार्ड भी पुल आउट करेंगे। टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। आपको अपनी पावर बैक करनी लेनी है इस सिचुएशन में। आप कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसको, या जो पर्सन है उसको, जो रिलेशनशिप उसको, जो जॉब है उसको, बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो। आपको अपनी पावर, यू हैव टू टेक इट बैक। जब आप अपनी पावर अपने पास लेके आओगे, ज्यादा इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने सक्सेस के लिए, तो ये चीज ऑटोमेटिकली जल्द हो जाएगी। जितना ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट होगे या अटैच होगे इससे, उतना डिलेज आएंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो। अब इन जनरल भी कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं, जस्ट टू सी इन जनरल आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इस विश से कनेक्टेड।
स्टार्ट इज कमिंग. मुझे लगता है कि आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप क्रिएटिव होके कोई नया वे से इस चीज को अप्रोच करोगे तो आपके लिए जो है वो सक्सेस हासिल कर पाना इस विषय से रिलेटेड बहुत आसान हो जाएगा. सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक हो गया. उसके बाद दैट्स प्रीटी मच इट फॉर जिन लोगों ने पाइल ऑरेंज चूज किया. लेट्स मूव ऑन टू द पीपल हु चोज पिंक पाइल. देखते हैं कि जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज किया और जो विश है नंबर टू आपकी, लेट्स सी कि वो विश आपकी कब पूरी होगी. टू, नंबर टू का कार्ड आया है, इट इज प्रोग्रेसिंग वेल, टू डेज टू वीक्स. दो दिन और दो हफ्ते लग सकते हैं आपकी इस विश को पूरी होने में. आपकी सारी सिचुएशन इस विश से कनेक्टेड जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है. आपको वरिड होने की जरूरत नहीं है. मुझे नहीं लगता कि आपको कोई स्पेसिफिक कोई एक्शन लेने की जरूरत है इस चीज को लेकर, चाहे वो लव लाइफ विश है, वर्क लाइफ विश है, होम लाइफ विश है. आपकी जो भी विश है दो दिन से दो हफ्ते का टाइम मैक्सिमम इस विश को पूरे होते दिखेगा मिलेगा आपको. एक और चीज, दो नंबर हो सकता है कि आपकी जब ये विश पूरी होने वाली हो आप ट्रिपल टू बहुत ज्यादा देखो, या टू टू टू, या इस तरह से, या टेट्रा टू देखो, या टू टू आप बहुत ज्यादा शायद देखोगे. उसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि आपको इस विश से रिलेटेड वरिड होने की जरूरत नहीं है. ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज अपने हिसाब से सही जगह पर है और अपने हिसाब से सही प्रोग्रेस कर रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है करंट सिचुएशन में. अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, आपको उनको रिजोल्व करने की जरूरत है, बल्कि शायद वो भी ऑटोमेटिकली खुद रिजोल्व हो रहे हैं. जो ऐसी इश्यूज या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशनल ब्लॉक्स थे वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे आपकी लाइफ से. लेट्स सी कि लव लाइफ से रिलेटेड क्या और कोई गाइडेंस है इस सिचुएशन, इस डिजायर, इस विश को लेकर. लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए करंट सिचुएशन में. डिस्टेंस द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो. अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपने अपनी लव लाइफ से रिलेटेड सवाल किया था, जैसे कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रही है, तो मुझे लगता है कि जो सेपरेशन है वो दो दिन से दो हफ्ते तक के टाइम में आपका रिकन्सिलिएशन होने का चांसेस बन सकते हैं. सिचुएशन बेटर हो सकती है आप दोनों के दरमियान में. और ये जो सेपरेशन है, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आपके रिलेशनशिप के लिए नेसेसरी थी, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए या स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी थी. सो अगेन, कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको, इस माइंडसेट यू नो पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, ताकि जो चाह रहे हो वो जल्द हो सके. सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पाइल पिंक चूज किया. सो लेट्स मूव ऑन टू द पीपल जिन्होंने येलो पाइल चूज किया या फिर थर्ड विश के बारे में पूछना चाह रहे हो. लेट्स फाइंड आउट कब होगी आपकी ये विश पूरी जो आपके माइंड में है राइट नाउ. कब होगी आपकी विश पूरी जो भी आपकी विश है आपके मन में राइट नाउ, कब होगी आपकी ये विश पूरी जिन्होंने येलो पाइल चूज किया. कब पूरी होगी आपकी ये विश. ओके, टाइम्स ऑफ लाइफ, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू. आप मैनिफेस्ट करो इस विश को. अंटिल एंडलेस आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आपका विश, आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होगी. बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा. देखो, जो आपके अंदर है ना इस विश को लेकर, फियर है तो फियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, डाउट है तो डाउट मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे. तो कोशिश करो कि आप अपने अंदर का जो वर्ल्ड है उसको चेंज करो, वो आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो जब आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि व्हाट यू आर थिंकिंग इज मैनिफेस्टिंग, व्हाट यू आर फियरिंग इज मैनिफेस्टिंग, व्हाट यू आर बिलीविंग इज गोना मैनिफेस्ट टू, तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका माइंडसेट फिक्स होने की जरूरत है, आपकी विश को लेकर अलाइनमेंट की जरूरत है जो कि मिसिंग है आपकी इस सिचुएशन में. सो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी. सो आपकी विश का पूरा होना या ना होना आपके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करते हो, पॉजिटिव नहीं होते हो, आपकी अलाइनमेंट नहीं होती है सोल माइंड और हार्ट से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी. अगर आप चाहते हो कि आप जो चाहते हो वो पूरा हो, तो कोशिश करो कि माइंडसेट को वॉच करो. क्या सोचते हो ज्यादा से ज्यादा, क्या अफर्म करते हो ज्यादा से ज्यादा, वो सब चीजों को यू नो इवैल्यूएट करो. और फिर आपको रियलाइज होगा कि आपका जो लाइफ है करंटली वो उसी का रिफ्लेक्शन है जो आपके अंदर चल रहा है. चाहे वो अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स अगर आप अपने अंदर का जो जहान है उसको चेंज कर लो. तो वो बहुत जरूरी है. आपकी विश तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप खुद को बदलोगे नहीं. मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्लेट में सर्व नहीं होगा. यू विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. अपने आप को नहीं बदलोगे पॉजिटिविटी नहीं आएगी. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. पहले इन जनरल देख लेते हैं, फिर लव लाइफ के लिए देखते हैं. इन जनरल आपके लिए गाइडेंस क्या है करंट पे. नथिंग इज सेट
इज येट सेट इन स्टोन. कुछ भी आपके लिए इस विश से रिलेटेड कुछ फाइनल नहीं हुआ है. खुद को बदलोगे वो आउटकम भी बदल जाएगा, खुद को नहीं बदलोगे तो आउटकम भी ऐसा ही रहेगा जैसा करंटली चल रहा है. सो ये कंफर्मेशन है उसी मैसेज का जो कि आपके लिए ऑलरेडी निकल के आया. लेट्स सी लव लाइफ से रिलेटेड अगर विश है तो आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इसके हिसाब से. ओवर थिंकिंग प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोस इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट. तो कहीं ना कहीं ये एक अगेन एक कंफर्मेशन है कि आपका माइंड सेट नीड्स टू बी फिक्स्ड. आपका माइंड सेट बदलने की जरूरत है. माइंड सेट बदलेगा ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके हक में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. ओवर थिंकिंग करते हो आप, नेगेटिव सिनेरियोस अपने माइंड में प्ले करते हो, ये सब हैज टू एंड. जब ये खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है वो पूरी हो पाएगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर. और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग्स चाहते हो तो ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो. और अगर आप पाम रीडिंग्स में भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी आई डू ऑफर, तो उसके लिए भी चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और रीच आउट कर सकते हो मुझे ईमेल आईडी पे. टेक केयर, बाय.